नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मुंब्रा के नौजवानों की जान जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा जाने गई हैं मुंब्रा बाईपास पर। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा बाइक चालक हैं जो हादसों का शिकार हो रहे हैं। लगातार हो रही हादसों की सबसे बड़ी वजह है सड़कें ठीक नहीं होना, सड़कों पर जगह जगह गड्ढों का होना, ये सबसे बड़ी वजह है। आज फिर एक बाइक चालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। 42 वर्षीय आदिल खान, जो मुंब्रा के विनायक सोसाइटी आनंद धाम के रहने वाले हैं, आदिल खान किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, तभी भारत गेट के पास करीब 12 बजे के दरमियान पीछे से आ रही लॉरी ने बाइक चालक आदिल खान को टक्कर मार दी, जिसके बाद किसी राहगीर ने आदिल खान को कालशेखर अस्पताल पहुंचाया, मगर आदिल को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, जिसके बाद इसकी सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। परिवार वालों ने जब आदिल की मौत की खबर सुनी तो जैसे घर में कयामत आ गई। आदिल के पिता का भी एक महीने पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। पिता की मौत का गम तो था ही, मगर आदिल की मौत ने झकझोर कर सबको रख दिया। बताया जा रहा है कि आदिल खान के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनकी सर से एक सड़क हादसे ने उनके पिता का साथ छीन लिया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शिवाजी अस्पताल भेज दिया है। वहीं डायघर पुलिस ने लॉरी चालक जोगिंदर पांडे को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।